ध्यान से समझना, कॉपी बहुत बढ़िया बनानी है। दूसरी बात, बहुत धैर्य से, बहुत शांति से पढ़ना है। हमें पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है ना, वो बोलते हैं ना जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, गले में फंस जाता है। तो वही वाली बात है, अगर जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला फंस जाएगा। तो वो मामला ना फंसे उसके लिए आपको आराम से बढ़िया तरीके से है ना, स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना उतना अच्छे से पढ़ना है। ये बातें जो सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है उनको मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्होंने एक बार करके देख लिया ये सब कुछ, उन्हें पता है कि अगर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे या अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो हम चीजें छोड़ देते और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार। ठीक है, तो जो पहली बार वाले बच्चे उनको बस इतना करना है, जो जो बताया जा रहा है उतना उतना ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से जितना बोला जा रहा है, मतलब तुम्हें बोला ये कर लो, हाँ सर ये कर लिया, तुम्हें बोला बुक नहीं खरीदना है, बुक नहीं खरीदना है, तुम्हें बोला ये लिख ले, ये लिख ले, तुम्हें बोला इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लो, जो जो बताया जा रहा है आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा वैसा का वैसा वैसा का वैसा करना होगा, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा और तभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो क्या जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स है उनसे पूछना चाहूंगा, जिनका पहली बार एग्जाम दे रहे नीट के लिए, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग तैयार हो पहली बार धैर्यपूर्वक ना एकाग्रता से जो बताया जाएगा वो सब करने के लिए। अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैं एकदम जल्दी से आऊं, मैं तुरंत पढ़ूं, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए और मैं चले जाऊं, तो मैं तो बोलता हूं पहले ही चले जाऊं, पहले ही चले जाओ, रुकने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं। मैंने काला टी शर्ट पहना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जादू तोड़ने वाला बाबा हूं, है ना। ये काले टी शर्ट में इसलिए हमने डाउट नेट लिखवा लिया ताकि किसी को ये ना लगे कि अरे ये तो काले कपड़े वाले बाबा है, इनके पास एक मोर पंख की झाड़ू भी होगी, इनके पास जाएंगे, सर झुकाएंगे, दो बार झाड़ू मारेंगे और हो गया, चलो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमने जो पाप करे वो पाप एक बार गंगा में डुबकी लगाने से भी नहीं धुल सकते। तो एक बार अगर तुमने यहां पर एक दिन पढ़ लिया और तुम सोचो कि यार एक दिन पढ़ लिया, दो दिन पढ़ लिया, चार दिन हो गया, अरे मेरा तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर इससे पहला एक भी दिन ना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये पाप धोने वाली मशीन नहीं है यहां पर। हाँ पाप धुलेंगे लेकिन इतना इतनी जल्दी नहीं होगा, आराम से धीरे 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 समय लगेगा, है ना। अब वो समय किसी को 10 दिन भी लग सकता है, किसी को 5 दिन भी लग सकता है, किसी का 2 महीने 2 दिन भी हो सकता है और किसी का महीना भर भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपकी तरफ से इनपुट कितना कितना है और आप कितने ईमानदार हो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत करूंगा, चिंता मत करो उस चीज की। तुम जितनी सोच नहीं सकते, जितनी तुमने आज तक किसी को मेहनत करते देखा नहीं होगा, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत मैं तुम्हारे लिए करूंगा, 100% करूंगा और हमेशा करूंगा।